डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर एंड सेंशन स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपसे क्लास सिक्स का इंग्लिश का टर्म सेकंड का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं। डियर, आपने टर्म फर्स्ट पढ़ लिया है और ये सारा कुछ आपने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको मिड टर्म के एग्ज़ाम देने के बाद टर्म सेकंड की तैयारी करनी है। तो आपकी पोएम ब्यूटी आ रही है, आपको टेंसेस की वर्कशीट भी करनी पड़ेंगी, ये जो दे रखी है अभी से सारी वर्कशीट करना। और ये जो क्लास फोर्थ फिफ्थ और सिक्स लिखा होता है ना, ये मत सोचना कि फोर्थ क्लास के लिए, ये आप ही के लिए है, ये सारा आपको भी करना है। मतलब आपने जो चौथी क्लास में नहीं पढ़ा ना, वो अब आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे फ्यूचर टेंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, आप भले चौथी क्लास की बुक मत उठाओ, लेकिन ये टॉपिक आपको करने पड़ेंगे। जैसे आपको टेंस करने पड़ेंगे, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, सिंपल सिंपल वाले, कंटिन्यूस वाले, सुन रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट आपको करना पड़ेगा। क्लास सिक्स में सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस आपको करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट पैराग्राफ भी करना है, शॉर्ट पैराग्राफ करना है आपको, और वो पैराग्राफ है आ ब्यूटीफुल डे इन विंटर्स, ठीक है। सर्दियों में एक सुंदर दिन, अच्छा दिन, ठीक है। और भी पैराग्राफ आपके हैं, आपको सब करने पड़ेंगे। जैसे फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जो आपको अच्छा लगता हो उसके बारे में लिखना है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको पसंद हो, विदेशी भी हो सकता है, देसी भी हो सकता है। आपको ईच का कैसे यूज़ करना है, ठीक है, ईच का प्रयोग आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, ठीक है। और भी देखो बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, मैं आपको मेन में सारा बता रहा हूँ, ठीक है। ये पोएम समझ में आ गई, ब्यूटी वाली करनी है आपको। आपको हु आई एम ये भी आपको करना है अच्छे से, ये लेसन है आपका, ठीक है। लेटर राइटिंग में देख लो क्या बता रखा है। आपको इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को अपनी बर्थडे पार्टी पर, ठीक है। और स्पीकिंग एक्टिविटी ये सिर्फ आपको क्लास में बोल के दिखानी है, ये रोल प्ले स्कूल के अंदर डिस्कशन आपके टीचर सबसे करेंगे, सर नॉलेज के लिए है, ठीक है। जो जो बता रहा हूँ रिटर्न वाला, जो आपको लर्न करने वाला, वो सब समझा रहा हूँ। आपको फेयर प्ले करना है, मतलब ये लेसन है आपका। और क्लास थर्ड में चेन द वर्ब पढ़ी थी ना आपने, वो करनी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद कर लेना, प्रेपोजिशन कौन कौन सी याद करनी है, इन, इनटू और एट। थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब करनी है, और प्रेपोजिशन ये सीखनी पड़ेगी आपको कि टू का लगाते हैं, एट, ऑफ, ऑन, इन और इनटू कहाँ लगाते हैं। और आपको मोडास भी सीखने पड़ेंगे, मोडास में आपको वुड सीखना पड़ेगा, वुड कहाँ लगाते हैं, ये मोडास का पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। और प्रेपोजिशन के लिए ये वर्कशीट देख लेना, और फेयर प्ले के लिए ये वर्कशीट देख लेना आप, ठीक है डियर। तो मैंने, और डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों डिक्टेशन वाला जो कंपटीशन ना, डिक्टेशन की जो डिक्टेशन की एक कंपटीशन है, तो उसमें पार्टिसिपेट कर लो स्कूल के टीचर से कॉन्टेक्ट करके। और पैराग्राफ आपको करना है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये भी पैराग्राफ आपको करना पड़ेगा, ईमानदारी सबसे अच्छी चीज़ होती है। अब सुनो, ये मैंने आपको टर्म सेकंड का बता दिया। आपको टर्म सेकंड का जो एनुअल एग्ज़ाम होंगे ना, आपको सारा सिलेबस करना है। टर्म फर्स्ट का भी आपको करना पड़ेगा, ये जो टर्म फर्स्ट है ना, जो टर्म फर्स्ट है आपको वो भी करना पड़ेगा, समझो। जो भी अपने टर्म फर्स्ट में सारे चैप्टर पढ़े वो करने पड़ेंगे, ये देख लो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो बचा कुछ है, जो अभी ये टर्म सेकंड का, ये भी आपको करना पड़ेगा। तो पूरा करोगे तभी आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि रिवीजन ऑफ सिलेबस फॉर एनुअल एग्ज़ाम ये 31 जनवरी के बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी आपकी, पूरा सिलेबस आएगा पूरा। बस इतना बताना था, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।